करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, फटाफट अंदाज में देखेंगे। चैनल पर अगर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। विश्व की कुछ शीर्ष एडिटेक कंपनी के बारे में बात होगी। महाराष्ट्र गुजरात की स्थापना कब होती है, सुपरसोनिक मिसाइल, सुलावेसी द्वीप जैसे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए, विद इमेज होगी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण मुंबई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना की गई, इसलिए हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। भारतीय एडिटेक स्टार्टअप है इमेरिटस टाइम पत्रिका के विश्व के शीर्ष एडिटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग में प्रतिष्ठित शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इमेरिटस की स्थापना 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य कालीपटनापू ने की। इमेरिटस प्रतिष्ठित वैश्विक विश्वविद्यालय जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और MIT स्लोन सहित अन्य से पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 30 अप्रैल को इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर स्थित रुआंग ज्वालामुखी फट गया। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने देश की 26वें नौसेना प्रमुख नेवी चीफ का कार्यभार संभाला। DRDO ने ओडिशा में किया सुपरसोनिक मिसाइल सम्राट का सफल परीक्षण। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का सम्मान करता है। सर्वदानंद बरनवाल को भूमि संसाधन विकास में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 60 वर्षीय एलेजांद्रा मालिसा रोड्रिग्स ने मिस वर्ल्ड वीनस आयर्स 2024 का खिताब जीता। एलेजांद्रा रोड्रिग्स पेशे से वकील और पत्रकार रह चुकी हैं। प्रसिद्ध पत्रकार प्रकाशक और दैनिक हिंदी मिलाप के संपादक विनय बीर का शनिवार 27 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष के अमे निधन को बहुत दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के चैंपियन थे और पत्रकारिता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने मतदान किया। UAE ने की दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इस एयरपोर्ट का नाम अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित AI एंकर सना ने लंदन में आज प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। मध्य प्रदेश के कुंडलपुर में 1000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर तैयार किया गया है। डॉलर की भारी कमी से उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच श्रीलंका ने ट्रक और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटाया। भारत बायोटेक के प्रमोटर कृष्णा एला बने नए IVMA अध्यक्ष। पंडित लक्ष्मी महाराज जन्मोत्सव समारोह 31 अदक पर जानी मानी अभिनेत्री सायरा बानो व हेमा मालिनी समेत 10 विभूतियों को पंडित लक्ष्मी महाराज सम्मान दिया जाएगा। फिनटेक कंपनी क्रेड ने एक अभिनव UPI आधारित स्कैन एंड पे सेवा शुरू की जो फोनपे गूगल पे और पेटीएम जैसे मौजूदा कंपनियों को चुनौती देते हुए ऑफलाइन भुगतान क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। OTP धोखाधड़ी से निपटने सरकार ने SBI कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ गठबंधन किया। सिन वाटसन द्वारा लिखित द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक का भी विमोचन। संयुक्त अरब अमीरात UAE में शारजाह गर्ल्स ब्रांच में एक अंग्रेजी हाई स्कूल की शिक्षिका जीना जस्टस को प्रतिष्ठित 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया। भारत के सबसे सफल स्क्वाश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वाश से संन्यास की घोषणा। स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में कर्नाटक एवं गुजरात अग्रणी राज्य, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पीछे। भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उच्चतम खतरे के स्तर 6 सुरक्षा के लिए सबसे हल्का ब्लड प्रूफ जैकेट विकसित किया। यह जैकेट गोला बारूद से भी सैनिकों की रक्षा करेगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। रक्षा सामग्री और भंडारण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने इसे विकसित किया। वर्ष 2024 के लिए भारतीय राष्ट्रपति ने 2 युगल मामलों से 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दे दी। प्रमुख बांग्लादेशी गायक रिजवान चौधरी वन्य प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो आप देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, पर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कीजिए कि जो परीक्षा के नजर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ करंट अफेयर्स की। चैनल पर अगर पहली वीडियो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।